नमस्कार, सफ़र 24 से मैं रंजन कुमार। यह है बड़का गांव का राम जानकी मंदिर। जी हाँ, आप देख सकते हैं नज़दीक से इसे। ये मंदिर देखने से ही लग रहा है कि कितने वर्षों से इसमें रंगाई पुताई नहीं की गई है, और ये मंदिर बिल्कुल ही ऊपर से गंदा दिख रहा है। और आपको बता दें कि यहाँ कल रथ मेला का आयोजन हुआ था और रथ यात्रा पूरी की गई थी। खैर, इस बारे में बाद में बात करूँगा, मंदिर आखिर इतना गंदा क्यों है और इसके जिम्मेवार कौन है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि कोरोना काल में पिछले 2 वर्षों से रथ यात्रा यहाँ पे भव्य रूप से नहीं मनाई गई थी, और चूंकि अब कोरोना का प्रकोप कम है, इसलिए इस वर्ष कमेटी ने रथ यात्रा मनाने का निर्णय लिया और बड़े ही भव्य तरीके से, बड़े ही कमेटी के प्रयास से इस बार रथ यात्रा सम्पन्न हुई। आपको बता दें, हजारों हजार की संख्या में श्रद्धालुओं का भीड़ उमड़ा और शाम में मेला का आयोजन हुआ, रथ भी निकाला गया। आपको पता है कि इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, भाई बलराम और बहन सुभद्रा को भ्रमण कराया जाता है रथ में, और उनकी पूजा होती है। श्रद्धालुओं के मनोरंजन के लिए ऑर्केस्ट्रा यानी जागरण का भी आयोजन किया गया था, भक्ति जागरण का, जिसमें सभी श्रद्धालु झूमते नजर आए। देर शाम तक ये कार्यक्रम चलता रहा, चारों तरफ भीड़ भाड़ रहा, पूरे बाजार में, पूरे बड़का गांव चौक में चहल पहल रही। बारिश भी हुई, परंतु मेला लगने के समय भगवान ने लोगों को मेला लगाने के लिए और जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने के लिए, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए समय दिया। बारिश 2 घंटे के लिए बंद हुई और मेला का लोगों ने लुत्फ़ उठाया। इस मेले को सफल बनाने के लिए पूजा समिति की ओर से पूरी तरीके से कोशिश की गई, पूरा प्रयास किया गया, इसलिए हमारे चैनल की ओर से उन्हें तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, उन्हें बधाई कि उन्होंने इतना प्रयास करके ये रथ यात्रा को सफल किया। परंतु कुछ चीज़ें थी जो मेले में कमी नज़र आई। हम चाहेंगे कि अपने चैनल के माध्यम से पूजा कमेटी के लोगों को यह बताना, ताकि अगली बार से वो इस चीज़ का ध्यान रखें। सबसे पहली बात तो ये थी कि मंदिर की साफ़ सफाई ठीक से नहीं की गई थी। ये बड़ा ही आश्चर्य की बात है कि 2 वर्षों के बाद रथ यात्रा इतने भव्य तरीके से मनाया जाना था और मंदिर का पुचाड़ा भी नहीं कराया गया, रंगाई पुताई भी नहीं कराई गई। आखिर इसका क्या कारण है? पैसे की कमी थी या फिर लोगों का मैनेजमेंट सही नहीं था? ये तो वही लोग बताएंगे। दूसरी चीज़ कि मंदिर में मैं देखा कि श्रद्धालु प्रसाद के लिए जा रहे थे, परंतु उन्हें प्रसाद नहीं मिल रहा था, प्रसाद खत्म हो गया था। तो इसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए कि शाम तक कम से कम इतना प्रसाद वहाँ होना चाहिए कि जो लोग जाएं भगवान का दर्शन कर लें, भगवान के आगे शीश न माने, उन्हें कम से कम हाथ में 2 इलायची दाना तो ज़रूर मिलना चाहिए। तो ये कमी दिखी। दूसरी चीज़ क्या थी कि मंदिर परिसर के बाहर, चूँकि बारिश का मौसम था, तो कमेटी को ये सोचना चाहिए कि बारिश होगी तो कीचड़ होगा, जहाँ गंदगी थी उसे साफ़ करा करके जो कीचड़ वाली जगह था वहाँ बालू वगैरह डलवाना चाहिए था। लेकिन देखा गया, जब पानी गिरा, बारिश हुई, तो बाहर कीचड़ था और लोग कीचड़ में पैर डूब जा रहा था, और कितने लोगों का शर्ट पैंट, कितने लोगों का कपड़ा गंदा हो रहा था। इसकी कमी देखी। एक सबसे बड़ी कमी और दिखी, चूँकि भीड़ बहुत हुआ। आपको पता है कि इधर आसपास के इलाके में, आसपास के क्षेत्र में, बड़गांव के आसपास के क्षेत्र में कहीं भी रथ यात्रा का आयोजन नहीं होता है, इसलिए जब रथ यात्रा का आयोजन होता है तो काफ़ी संख्या में भीड़ होती है, और हुआ वैसे ही। भीड़ इतनी हुई कि लोगों को पैर रखने का जगह नहीं मिलने लगा, और कुछ हुड़दंगी लोग होते हैं मेले में जो हुड़दंग मचाते हैं, लोगों को ठेला धकली करते हैं, धक्का मुक्की करते हैं और गिराने का प्रयास करते हैं। ऐसे में कमेटी को यह चाहिए था कि जगह जगह अपना वॉलेंटियर छोड़े, ताकि मेले में किसी तरह का हुड़दंग ना हो। लेकिन वॉलेंटियर लोग नहीं देखे गए। अधिकतर वॉलेंटियर लोगों को देखा गया कि जागरण में लुत्फ़ उठा रहे थे। तो मंदिर परिसर के बाहर जहाँ जहाँ भीड़ होता है, वहाँ कमेटी को वॉलेंटियर छोड़ना चाहिए, ताकि हुड़दंगियों को कंट्रोल किया जा सके। मैंने कई जगह देखा कि लोग हुड़दंग मचा रहे थे, भीड़ वाले जगह पर धक्का मुक्की भी कर रहे थे। कुल मिला जुलाकर रथ यात्रा तो बीत गया, लेकिन ये रथ यात्रा एक सबक दे गया कि मैनेजमेंट कमेटी को, जो राम जानकी मंदिर की मैनेजमेंट कमेटी है, उसे सही ढंग से पूजा करने का पहले प्लान करना चाहिए, तभी श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत नहीं होगी और किसी तरह का जो लोगों को है परेशानी नहीं होगी, तो वो पूजा भी सफल होगा पूरी तरीके से और लोग शिकायत नहीं करेंगे। इन कमियों के बारे में मैंने कुछ ग्रामीणों से जब बात किया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि
मैनेजमेंट कमेटी कम से कम मंदिर का पुचाड़ा तक नहीं करवाई, ऐसा क्यों हुआ? मंदिर की साफ़ सफाई होनी चाहिए थी, कम से कम रंगाई पुताई होनी चाहिए थी। बड़का गांव में इतना मंदिर है, दुर्गा मंदिर है, काली मंदिर है, सूर्य मंदिर है, आप कोई भी मंदिर को देखेंगे बारहों मास चमकता रहता है, खूबसूरती झलकती रहती है। इतना मैनेजमेंट कमेटी की ओर से हमेशा ध्यान दिया जाता है कि कभी वो धूमिल नहीं होता है। आप सूर्य मंदिर देख लीजिए, दुर्गा मंदिर देख लीजिए, काली मंदिर देख लीजिए, और भी है, ये मंदिर हमेशा अपने रौब रवाब में रहते हैं, वहाँ श्रद्धालु जाते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है क्योंकि साफ़ सफाई का ध्यान दिया जाता है, रंगाई पुताई हमेशा समय समय पर होता है। लेकिन इतना पुराना जो मंदिर है राम जानकी मंदिर, और वो बाज़ार के बीचों बीच में है, उसको इस तरह से ढील दिया गया है, आखिर कारण क्या है? वहाँ पैसे आने की भी कमी नहीं है, मंदिर परिसर के चारों तरफ दुकानें हैं, वहाँ से रेंट का पैसा आता है, आखिर किसके अंदर कमी है? मैनेजमेंट में क्या कमी है? वहाँ के पुजारी जो हैं उनमें क्या कमी है? वहाँ का आय व्यय का खर्च कहाँ क्या हो रहा है, इसका हिसाब किताब क्यों नहीं लिया जाता है? आखिर पैसे जो आते हैं वहाँ पे शादियाँ होती है उसमें भी पैसे लिए जाते हैं, चढ़ावा चढ़ता है, मंदिर परिसर के दुकानों से पैसे लिए जाते हैं, तो फिर इतना भी पैसा नहीं था कि भगवान के मंदिर को कम से कम पुचाड़ा कर दिया जाए? भगवान के मंदिर को आप ढंग से शुद्ध नहीं करेंगे और पूजा करेंगे, ये अच्छी बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि राम जानकी मंदिर की जो दशा है अभी वो देखने लायक बिल्कुल नहीं है, उस पर कमेटियों को एक्शन लेना चाहिए और उस मंदिर को भव्य बनाने के लिए उसकी भव्यता पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो बड़का गांव चौक का नाज है, हिंदुओं का नाज है, और उस पर लोगों को तत्काल प्रभाव से एक्शन में आना चाहिए और उस मंदिर के उद्धार के लिए काम करना चाहिए। लोगों से बात करने के दौरान यह भी पता चला कि पुजारी के लिए मंदिर में एक कमरा होता है, लेकिन जो पुजारी हैं वहाँ पर राम जानकी मंदिर के, लोगों का कहना था कि 2-3 कमरे वो कब्जा कर रखे हैं, इसकी वजह से वहाँ अगर बाहर से कोई लोग जाते हैं, कोई रुकना चाहते हैं, कभी कोई दिक्कत होती है तो परेशानी होती है, क्योंकि मंदिर मस्जिद ये सभी ऐसे चीज़ें हैं जहाँ सार्वजनिक जगह होता है और लोग यहाँ पर जिनको कोई आसरा नहीं मिलता, कोई आश्रय नहीं मिलता, वो रात अंधार देर शाम लोग वहाँ पर कभी कभार अपना समय व्यतीत करते हैं, तो वहाँ के जो कमरे होते हैं, वहाँ का जो स्थान होता है, वो श्रद्धालुओं के लिए, लोगों के लिए, आमजनों के लिए सुरक्षित होना चाहिए, खाली होना चाहिए। लेकिन लोगों का कहना था कि पूरा राम जानकी मंदिर जो है वो वहाँ के पुजारी के कब्जे में है और यही वजह है, और लोगों का कहना था कि वहाँ के पुजारी जो हैं वो लोगों की बात नहीं सुनते हैं, इसके वजह से मैनेजमेंट कमेटी भी मजबूर है। ये बातें किन लोगों ने की ये मैं अभी सार्वजनिक नहीं करूँगा, लेकिन ये बातें खुलकर आई है। कुल मिला जुला करके रथ यात्रा तो समाप्त हो गया, लेकिन मैं फिर से आग्रह करूँगा अपनी टीम, अपने चैनल के माध्यम से और लोगों की भावनाओं को देखते हुए, बड़का गांव का राम जानकी मंदिर एक पौराणिक मंदिर है और रथ यात्रा जो है वो यहाँ का एक बहुत पुराना मेला है जहाँ काफ़ी लोग आते हैं, तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए मंदिर का जीर्णोद्धार करना चाहिए, मंदिर परिसर को सौंदर्यीकरण करना चाहिए, मंदिर को भी आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से बाकी और मंदिरें हैं जो हिंदुओं का एक श्रद्धा का स्थान होता है, तो वो भी एक हिंदुओं का श्रद्धा का स्थान है, तो बाकी मंदिरों के तहत उसका भी एक सौंदर्यीकरण और खूबसूरती झलकना चाहिए उस मंदिर में भी। इस खबर में इतना ही, आगे की खबरों के लिए हमारे चैनल सफ़र 24 के साथ बने रहिए, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।